और आर्जिकर मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है, सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। वित्तीय अनियमितताओं का भी मामला था इन पर सबूतों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। टीएमसी की सरकार ने जिस तरह से तुरंत इस्तीफे के बाद नई नियुक्ति दे दी थी, उसको लेकर भी इनको बचाने का आरोप लग रहा था। और अब सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल आर्जिकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम खबर, भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ा अपडेट यह है कि जो करप्शन का केस था जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, करप्शन मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है। ये करप्शन का मामला भी आर्जिकर से जुड़ा हुआ ही था। 2021 से लेकर अब तक के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर टीएमसी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन एसआईटी से जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर जांच करेगी, और अब अपडेट यह है कि सीबीआई ने करप्शन वाले इशू पर गिरफ्तार किया है। ये इशू भी, करप्शन का मामला भी आर्जिकर अस्पताल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे मामले में भी संदीप घोष से पूछताछ चल रही थी, जो दूसरा मामला रेप और साथ ही मर्डर का मामला है। पीड़िता का रेप करने के बाद जो मर्डर किया गया था, उसमें भी संदीप घोष से पूछताछ की गई थी। दोनों मामलों को सीबीआई देख रही है। सीबीआई की अलग अलग टीमें दोनों मामलों में केस दर्ज कर चुकी हैं। एक मामला जो करप्शन का है, उसमें संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रिंसिपल आर्जिकर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2021 से अब तक का जो वित्तीय लेनदेन का पूरा इशू था, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था, उसको लेकर संदीप घोष से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया था। दो अलग अलग केसेस हैं, एक ही आरोपी और एक ही कैंपस से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, और उसमें संदीप घोष आरोपी हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। करप्शन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़िता के मर्डर और रेप मामले को लेकर भी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी इनकी हुई है करप्शन वाले मामले पर, अनियमितताओं के मामले को लेकर, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इनसे पूछताछ होगी, फंड्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जो आरोप इन पर थे उसको लेकर इनसे सघन पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव घोष कनेक्ट हैं। देव, भ्रष्टाचार वाले मामले यानी कि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है, क्या ऐसे सबूत थे जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है, और क्या अब सवाल कौन से ऐसे होंगे जो सीबीआई संदीप घोष के सामने रखने वाली है? देखिए, जैसे सीबीआई ने संदीप घोष के अगेंस्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर जो केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कहीं तमाम आर्जिक और मेडिकल कॉलेज में जैसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुआ है, साथ ही साथ बहुत कंप्लेंट संदीप घोष के अगेंस्ट में नाम है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तमाम कुछ सबूत ऐसे जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को मिला, उसके बाद आज अभी जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट, संदीप घोष को अरेस्ट किया हुआ है। संदीप घोष के पास ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अगर बात करें हॉस्पिटल के मेडिसिन टेंडर, सबसे बड़ा अपडेट है, मेडिसिन टेंडर में संदीप घोष 20-30% मार्जिन रख के डुप्लीकेट मेडिसिन प्रोवाइड करते थे हॉस्पिटल को, पहला सवाल। दूसरी बात है, अगर बात करें दूसरी टॉपिक पे, संदीप घोष हॉस्पिटल में जो जैसे बच्चों की पास करवाने के लिए कॉलेज में पैसा लेते थे, संदीप घोष एग्जामिनेशन कंडक्टेंस के लिए पैसा लेते थे, संदीप घोष तमाम हॉस्पिटल में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बोलने से हॉस्पिटल, आज तक संदीप घोष जितना दिन जब तक प्रिंसिपल पद में थे हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं उनके विरोध सिर्फ खिलाफ नहीं, सवाल 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 और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटरी न्यूज भी पहले से आया है, लेकिन इस जैसे रेफ डॉक्टर के साथ रेफ और मर्डर केस हुआ, तमाम उसके बाद जब ये आग लगने लगा, कहीं ना कहीं उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होने लगा संदीप घोष के अगेंस्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके। सीबीआई केस दर्ज करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और सीबीआई हॉस्पिटल ने पूरा जांच प्रक्रिया की, हॉस्पिटल की कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन से पूछताछ किए, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे किए, उसके बाद तमाम 15 दिन तक संदीप घोष को पूछताछ भी जारी रहा। आज अभी संदीप घोष अरेस्ट हुए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके, तो आगे और कोई घंटे के अंदर और बड़े और कितने बड़े बड़े माथे हैं इन्वॉल्व है, सब संदीप घोष एक एक लेके खुलासा होगा। लग रहा है जो अभी का अपडेट है, कहीं ना कहीं और नया नाम सामने आने वाला है। सबसे अहम सवाल देव की, संदीप घोष ने इतने बड़े लेवल पर अगर करप्शन वहां किया है, तो यकीनन उनको किसी की शह भी रही होगी, कुछ और बड़े नाम भी हो सकते हैं क्या?
बिल्कुल वही बात है, अगर हम बात कर रहे हैं संदीप घोष अकेले इस इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं है, और बहुत बड़े नाम सामने संदीप घोष जरूर रखेगा, जबकि सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सीबीआई तमाम पूछताछ कर रहा है। संदीप घोष के पीछे इस रैकेट में और कौन है, संदीप घोष को इस ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर लिफ्ट कौन देता था, संदीप घोष किसके वजह से और किनको लेके इतना बड़ा घोटाला कर रहा था, ये बड़ा स्कैम जो हुआ है आरसी कॉर मेडिकल कॉलेज में, तमाम इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है, कहीं आगे आगे बहुत सारे नया नाम सामने आएगा जिसके साथ जो संदीप घोष के साथ जड़ित है। देव, एक बार टाइमलाइन भी दर्शकों को समझाइएगा कि किस तरह से ये पूरा मामला रेप और मर्डर का सामने आया, उसके बाद फाइनेंशियल इसमें करप्शन का इशू जुड़ा, एसआईटी जांच का आदेश राज्य की सरकार देती है, मामला हाईकोर्ट पहुंचता, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दिया था और अब ये मामला गिरफ्तारी तक पहुंचा है। क्या राज्य सरकार भी सवालों के कटघरे में है कि अगर वित्तीय अनियमितता यहां हुई थी, राज्य सरकार को इस तरह का पहले शक था, तो पहले ही इस तरह की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई, ये सिर्फ रेप मर्डर केस के बाद इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? जब आजी कौर मेडिकल कॉलेज में जूनियर 20 डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, तमाम उसके बाद जब हॉस्पिटल से फोन गया पीड़िता की परिवार को कि आपकी पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो भी वायरल हुआ था, आपकी बेटी ने आपकी बेटी का तबियत खराब है, फिर दूसरी कॉल जाता है आपकी बेटी सुइसाइड कर लिए, फिर तीसरी बार बताया जाती है आपकी बेटी सुइसाइड किए, तुरंत आप हॉस्पिटल पे आए, तो कहीं ना कहीं तब से ही डे वन से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ तभी से ही हॉस्पिटल में जो कहीं ना कहीं एक स्कैमिंग हो रहा है बोल के सामने आया था। जब इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन सही दौरान से नहीं जा रहा था बोल के हाईकोर्ट में जब इतला हुआ, हाईकोर्ट के जाने के बाद हाईकोर्ट ने तुरंत निर्देश दिए, आदेश दिए सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीबीआई केस टेक ओवर करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आरजी कौर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली एक बड़ा खुलासा किए पूर्व प्रिंसिपाल के नाम पे, आरजी कौर के पूर्व प्रिंसिपाल संदीप घोष के नाम से गंभीर आरोप लगाए, संदीप घोष के साथ बहुत और लोग शामिल है, संदीप घोष जैसे कि डॉक्टर ने एक माफिया थे, संदीप घोष लावारिस सबों की बुल्ली लगाते थे, संदीप घोष पैसा लेकर बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संदीप घोष अब सीबीआई की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की जाएगी और यकीन